गाइस फाइनली गुजरा अहमदाबाद के लिए निकल चुके हैं। रात को कुछ खाया नहीं और सीधे दूसरे बस में बैठ गए। और यहाँ पर आप इतना कंजस्टेड हो रहा था, एसी का बुक किया था और यहाँ पर पता नहीं हमारे साथ स्कैम हो गया शायद। लेकिन फिर भी आप अहमदाबाद पहुँचने के बाद फिर जाएंगे हम द्वारका, और द्वारका के लिए देखते हैं क्या होता है। लेकिन भाई 5,000 में पूरा स्कैम हो गया। कभी दिल्ली से गुजरात जाओगे तो सोच समझ कर जाना। मैं डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीज़ें डालने वाला हूँ, वो देख के जाना। तो बाकी तब तक स्टे ट्यून। सो दोस्तों, अब हम गुजरात के लिए निकलने के लिए रेडी है। गुजरात से पहले हम दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से होते हुए हम गुजरात जाने वाले। तो कुरुक्षेत्र का सफर यही तक था। आप लोगों को गुजरात में मिलेंगे, अब सीधे गुजरात में मिलेंगे। गुजरात से पहले आपसे थोड़ी देर के लिए दिल्ली में भी मिलेंगे, तब तक स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों, हम अपने धर्मशाला से निकल चुके हैं, बस मिली नहीं तो हम पैदल ही चल रहे हैं दोनों भाई। कम से कम 3 किलोमीटर हो चुका है पैदल चलते चलते, थक गए हम लोग। नहीं, फिर भी बस मिला नहीं, अभी देखते कितना टाइम बाद बस मिलेगा। तो तब तक स्टे ट्यून्ड, बस मिलता है क्या मिलता है पता नहीं। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर जहाँ से दिल्ली की बस मिलेगी। थोड़ा सा पैसे निकालना है हमने 1,000 रुपये तक, ताकि थोड़ा रास्ते में काम आ जाए करके। तो उसके बाद हम दिल्ली के बस में चलते हैं। यहाँ पर थोड़ी देर रुके हुए थे, बस आई नहीं। थोड़ा सा हम लोगों ने मौसमी का जूस पीने के लिए रुके हैं। तो फिर आप निकलते हैं यहाँ पर, आप देखते कितना टाइम के बाद बस आता है दिल्ली के लिए, फिर दिल्ली के बस में बैठ कर हम निकलते हैं। सो गाइस, हम बैठ चुके हैं दिल्ली के बस में, आप निकल रहे हैं हम सीधे दिल्ली। तो फाइनली गाइस, हम दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से हमने निकलना है गुजरात की ओर। अब देखते हैं, अभी ये नहीं पता बस ने हमें कहाँ पर उतारा है, लेकिन कश्मीर गेट जाना है हमें। तो देखते हैं वहीं से जाकर पता लगेगा। तो फाइनली गाइस, बस पकड़ने से पहले थोड़ा सा यहीं पर डिनर कर लेंगे, क्योंकि दिन से कुछ नहीं आया था, बस का सफर बहुत लंबा था। तो यहाँ पर छोले भटूरे खा रहा हूँ। तो बाकी अभी आगे फिर देखते हैं कौन सी बस पकड़नी है, अभी कुछ भी नहीं पता कहाँ से निकलना है। तो फाइनली गाइस, हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं अपने बस का। तो क्योंकि रोडवेज का बस था नहीं, तो हमें बस लेना था। तो ये हमें 2 जनों का 3700 80 रुपीज का टिकट पड़ा। तो शायद एक ही बस है तो तभी इतना महंगा है। तो बाकी अब देखते हैं आगे का बजट, क्योंकि बहुत संभाल के चलना पड़ेगा, क्योंकि हमें हमारा टिकट में बहुत ज़्यादा लग चुका है। तो बाकी तब तक स्टेडियम दोस्तों, यहाँ से हम निकलने वाले हैं अहमदाबाद। तो 16 घंटे का रास्ता पता नहीं कैसे गुजरेगा, 16 घंटा पूरे बस में। अभी भी समझ में नहीं आ रहा कैसे गुजारेंगे करके, लेकिन फिर भी आप जाना तो है। तो फाइनली दोस्तों, हम बस के अंदर बैठ चुके हैं। बहुत ही महंगा सीट, बहुत ही महंगा कमरा है, ये बस का स्लीपर है। इसको भी इतना एडजस्ट करने के लिए इतना टाइम लगा, इसको ना मतलब थोड़ा बोल बाल के भैया कर दो करके तब जाके माने। तो मेरा हो रहा सर दर्द, मेरा सर पूरा फटने जैसा हो गया पूरा। एक वीडियो वगैरह एडिट करके, इसका भी वीडियो एडिट करना पड़ रहा है, मुझे भी अपना भी करना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से ना पूरा सर दर्द हो रहा है। तो अभी तो रेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, सीधे सुबह ही मिलूँगा आपसे। तो गाइस फाइनली गुजरा अहमदाबाद के लिए निकल चुके हैं। रात को कुछ खाया नहीं, सीधे दूसरे बस में बैठ गए। और यहाँ पर आप इतना कंजस्टेड हो रहा था, एसी का बुक किया था और यहाँ पर पता नहीं हमारे साथ स्कैम हो गया शायद। लेकिन फिर भी आप अहमदाबाद पहुँचने के बाद फिर जाएंगे हम द्वारका, और द्वारका के लिए देखते क्या होता है। लेकिन भाई 5,000 में पूरा स्कैम हो गया। कभी दिल्ली से गुजरात जाओगे तो सोच समझ कर जाना। मैं डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीज़ें डालने वाला हूँ, वो देख के जाना। तो बाकी तब तक स्टे ट्यून्ड। तो फाइनली गाइस, बस रुकी है लंच के लिए। तो हमारा लंच आ चुका है, ये है। और भाई साहब मर गए, मतलब पूरी तरीके से मर गए, मतलब पूरी तरीके से शरीर पूरा टूट गया है।
16 घंटे का सफर करते करते अभी जाके 8 घंटे का सफर और करना है, तो बाकी सबका तो पहले अभी लंच करते बाद आपसे मिलते हैं। फाइनली गाइस लंच हो चुका है हमारा, अब हम निकलने के लिए रेडी है। ये गाड़ी है, हमने सोचा था एसी वाला है लेकिन क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो फाइनली गाइस लंच हो चुका है हमारा, तो बहुत मुश्किल के बाद एक बस का टिकट मिला। उन्होंने कहा कि मतलब कंफर्टेबल होगा, एसी वाला होगा, लेकिन ये एसी वाला नहीं था, तो ये थोड़ा सा स्कैम हो गया। दिल्ली में भाई साहब बहुत सारे चोर भरे पड़े हैं, और अगर आप कभी भी गुजरात के लिए या गुजरात के लिए निकलो दिल्ली से, तो मैं सजेस्ट करूँगा बस से निकलो मत, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, बहुत से ज़्यादा दिक्कत। आप ट्रेन बुक करो और ट्रेन से जाओ आराम से, बाकी मिलते हैं। तो फाइनली गाइस हम जा रहे थे द्वारका, और द्वारका जाते जाते हमारा जो टारगेट था सीधे द्वारका ही जाने का, लेकिन यहाँ पर हमारे काफ़ी अच्छे फ्रेंड मिले निर्मल भाई, तो उन्होंने एक ऐसी चीज़ बता दी कि हमें रुकने का मन कर गया। तो आखिरी मोमेंट में तो हमने पूरा प्लानिंग चेंज किया, तो हम उदयपुर उतर गए। तो यहाँ पर श्रीनाथ जी के बारे में इन्होंने एक किस्सा बताया जो हम आपको वहीं पर जाके बताएंगे और दिखाएंगे भी, बाकी निर्मल भैया बताएंगे आपको क्या क्या चीज़ें हैं, हमें तो पता नहीं, तो हम निर्मल भैया से पूछेंगे। बाकी तब तक स्टे ट्यून। फाइनली गाइस हम राजस्थान के फर्स्ट विलेज में आ चुके हैं, हमारे निर्मल भैया के विलेज में। तो ये हमारे निर्मल भैया अभी यहीं पर इनके घर पे आए हुए हैं, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ फ़ोन वगैरह चार्ज करके फिर हम निकलेंगे श्रीनाथ जी नाथवाड़ा गया। तो यार इतनी शांति है ना, मुझे गांव की याद आई, हमारे यहाँ भी ऐसे शांति है। तो आई थिंक ये फर्स्ट विलेज है जो हमने एक्सप्लोर किया है या अभी करने वाले हैं। तो बाकी अभी थोड़ा फोन वगैरह चार्ज करते, तब तक बने रहो। तो दोस्तों अभी हमारे निर्मल भाई हमारे हम लोगों को उदयपुर का मेन मार्केट दिखाने के लिए ला रखे हैं, तो उसके बाद हम जाते हैं। अभी तो घूम ही रहे फिलहाल, यहाँ पर इस दुकान में पूरा हैंडलूम्स बना हुआ है, मतलब राजस्थान का जो प्रॉपर ट्रेडिशनल हैंडलूम्स है शायद यहाँ पर सारे मिलते हैं ना, तो यहाँ पर सारे हैंडलूम्स मिलते हैं। तो अभी हम और भी मार्केट एक्सप्लोर करते हैं, तब तक बने रहो हमारे साथ। तो ये सारे है उदयपुर का मेन मार्केट, तो यहाँ से हम जा रहे हैं निर्मल भाई के पीछे पीछे। तो अभी आगे की तरफ जा रहे हैं हम लोग, बाकी तब तक बने रहो, बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं। ये पूरा मार्केट है, ये पूरा ट्रेडिशनल मार्केट है, यहाँ पर राजस्थान का पूरा मतलब पूरी ड्रेसेस वगैरह यहाँ पर है, स्कूल्स में यहाँ पर ना स्कूल्स के बैग वगैरह तो यहाँ पर है, उसके बगल में पूरा ट्रेडिशनल ड्रेस वगैरह। फाइनली गाइस हम यहाँ पर निर्मल भाई के कजिन के दुकान पे हैं, तो यहाँ पर अभी हम सैंडविच खाएंगे फिर उसके बाद आगे जाएंगे। हम लोगों का सैंडविच आ चुका है, सो दिस इज सैंडविच, यहाँ निर्मल भाई है और यह अभिजीत है, और यहाँ पर निर्मल भाई की भैया की दुकान, तो हम भी अब सैंडविच लेते हैं और फिर उसके बाद हम आगे जाते हैं। तो मिलते हैं आपसे दोस्तों। यहाँ इतने प्यारे प्यारे भाई हैंडलूम्स वगैरह बने हुए हैं ना, क्या ही बताओ, बता ही नहीं सकता ना, इतना प्यारा प्यारा मतलब हैंड की पेंटिंग्स, इतने प्यारे प्यारे हैंडलूम्स यहाँ पर बने हुए हैं। दुकान हर दुकान में किसी भी जा रहे तो बार बार देखने का मन कर रहा है, ट्रेडिशनल ड्रेस वगैरह इतना प्यारा लग रहा है देखना, प्यारा प्यारा है ना, अभी दिखा दे हम लोग ही पहुँच जाएगा। तो फाइनली भाई साहब हम यहाँ पर निर्मल भाई के एक और भैया है उनके यहाँ पर उदयपुर में, जो ये लेक है इसके सामने होटल है, तो वहीं पर आ रहे थे रूफ टॉप में, तो यहाँ से आप देख सकते हो जो नज़ारा है इस प्रकार का है। तो बाकी जो दिन के शॉट वगैरह होंगे मैं कोशिश करूँगा निर्मल भाई से लेने की, अगर यहाँ का मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो बाकी तब तक स्टे ट्यून।
ये मैं भाई ने मंचूरियन ऑर्डर किया था, तो अभी हम मंचूरियन आपको खा के अब फिर निकलते हैं। निकलना ही है हमने, तो जल्दी जल्दी ये निपटा के हमने निकालना है। तो काफ़ी अच्छा लगा, और जो यहाँ के होटल के रूम वगैरह भी मतलब इतने मतलब जो बजटेबल है, मतलब इस एरिया में लेक के सामने जो मेन अट्रैक्शन के बीच में ये होटल है, और जो यहाँ के रूम हैं वो भी आप आओगे कभी तो बहुत सारे और भी होटल मिलेंगे, है ना। तो लेकिन आप आना तो मतलब इस होटल में एक बार ज़रूर देखना है ना, बाकी तो आपकी मर्जी है रहना ना रहना, लेकिन देख के ज़रूर जाना। कि जो मैं अभी दिखाऊंगा डाल दूंगा होटल के रूम वगैरह भी, तो जो होटल का नेम है वो है मिनर्वा, वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, अगर नंबर वगैरह भी डाल दूंगा, है ना। आपको कभी उदयपुर आना हुआ और आपको लेक साइड का व्यू चाहिए उस साइड पर रूम, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको। तो बाकी तब तक इंजॉय द व्लॉग। तो दोस्तों अभी हम फिलहाल है यहाँ पर, जो आप मार्क देख रहे हो है ना, परसों को हम पहुँचेंगे यहाँ पर द्वारका गुजरात में। तो जैसे भी करके हमें परसों की सुबह निकालना, तो कल शाम को निकालना पड़ेगा यहाँ से। बाकी अभी यहीं पर निमा भाई के एक और दोस्त के होटल है यहाँ पर, वहाँ पर भी मिलने आ रखे हैं। बाकी तब तक अरे रखो। तो फाइनली गाइस सुबह हो चुकी है और वीडियो भी यहीं पर ख़त्म होता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए होप आप लोगों ने वीडियो एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो इफ़ आपको पसंद आया। ज़रूरी नहीं है लेकिन पसंद आया तो डेफिनेटली करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टाटा, टेक केयर।